आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिससे आप एक सिंगल डे में कई सारी ट्रेड्स निकाल सकते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। और इस स्ट्रेटजी को लगाने के बाद आपका प्रॉफिट 10-20 टाइम्स तक बढ़ जाएगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वेलकम टू अर्निंग माइंड। सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग व्यू अकाउंट ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको कौन सी सेटिंग्स करनी है और किस तरीके से कौन सा इंडिकेटर लगाना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसे लगाने के बाद आपका प्रॉफिट 10-20 टाइम्स तक बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन से इंडिकेटर्स आपको लगाने हैं और कौन सी सेटिंग्स इसके अंदर आपको करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है NADARAYA, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये इंडिकेटर आपके सामने आ गया है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे आपको लगा देना है। सबसे पहले हम तीनों इंडिकेटर्स को लगा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सेटिंग्स आपको करनी होगी इन इंडिकेटर्स के अंदर। और सिंपली हमारा एक इंडिकेटर लग चुका है। सेकेंड इंडिकेटर है आपका ATR स्टॉप लॉस फाइंडर। इसको लगाने के आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि आपका स्टॉप लॉस कहां पर है। सिंपली हम लोग इसको लगा देते हैं। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा स्टॉप लॉस फाइंडर। सो सिंपली इस पर क्लिक कर देना और इन्हें आपको अपनी फेवरेट लिस्ट में भी ऐड कर लेना है ताकि ये आपके पास सेव हो जाए। सो सिंपली यहां पर टू इंडिकेटर्स लग चुके हैं, हम थर्ड इंडिकेटर भी लगा लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको सेटिंग करनी होगी। सिंपली इंडिकेटर के ऑप्शन पे आना और यहाँ पर आपको लिख देना है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंपल सा इंटरफेस है। और अब मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है और सेटिंग्स क्या क्या करनी है। सिंपली यहाँ पर आपको RSI इंडिकेटर पर क्लिक कर देना है और सिंपली अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर आपको सेटिंग्स क्या क्या करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर आएगा 14 लिखा हुआ। यहाँ पर आपको 14 जगह यहाँ पर आपको 12 कर देना है और यहाँ पर SMA से हटा करके इसको EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सेट कर देना है। अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा चार्ट कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको किस तरीके से बॉल्स लेनी है। आप लोगों को सिंपली कैंडल्स पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट इंडिकेटर एंड थर्ड इंडिकेटर पर खास ध्यान देना होगा। जैसे ही कोई कैंडलस्टिक सपोर्ट को टच करती है या रेजिस्टेंस को टच करती है और RSI में भी सेम इंडिकेशन जाता है और आपको यहाँ पर वॉल्यूम खास करके चेक करनी होगी। अगर वॉल्यूम भी उसी के साथ में है तो आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेनी है, 100% ट्रेड कंफर्म हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अपर ट्रेंड में हमारे अपर लेवल को ब्रेक कर दिया है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी रैली आई हुई है। हमारा सारा इंडिकेटर यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब ट्रेंड बदल देगी। यहाँ पर जैसे ही हम लोगों को कन्फर्मेशन मिलता है यहाँ पर मार्केट ने 122 पॉइंट्स की रैली की है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।